नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार रात करीब 8 बजे श्रीनगर में राजभवन जाकर एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने का दावा पेश किया। एलजी से मुलाकात के बाद उमर ने कहा कि मैंने एलजी से मुलाकात की और कांग्रेस, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और निर्दलियों से मिले समर्थन पत्र सौंपे। मैंने उनसे शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय करने का अनुरोध किया ताकि सरकार काम करना शुरू कर सके। अब हमने मैं अभी राजभवन से वापस आया हूँ। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है मैं तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है।